है नेक्स्ट नाइन न्यूज़। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं इस वक्त आपके लिए बड़ी खबर। बड़ी खबर ये आई है किसी और नहीं बल्कि राजस्थान की सियासत को लेकर। जी हां, राजस्थान की सियासत पर हंगामा तेज हो चुका है। पहले ही पुष्टि कर दी गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर राहुल गांधी ही अब बैठेंगे, क्योंकि CWC की बैठक में इस पर फैसले होंगे और अक्टूबर के महीने पर यात्रा पर निकलेंगे, देश भर में दौरे पर निकलेंगे राहुल गांधी, जिन्हें अगस्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर देखेंगे शपथ लेते हुए और दोबारा से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने डिमांड की। अशोक गहलोत के आगे देखिए जरा सोनिया झुकी है, अशोक गहलोत के आगे सचिन पायलट झुक गए हैं, अशोक गहलोत के आगे सचिन पायलट की हार हो गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी पर गुस्सा कुछ नेता भी निकालते नजर आए। देखिए रात को डिनर किया है दोनों ने, सोनिया और अशोक ने, और अपनी जालसाजी कहे या फिर अपनी बाजी कहे, चली बाजी में अशोक ने कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं को फंसाया है। यानी कि सचिन पायलट, जिन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, जिस तरह से पायलट गुट की आवाज उठी थी, ऐसा फैसला नहीं लिया गया। प्रमोद आचार्य कृष्ण की बात करेंगे जो प्रियंका गांधी के बहुत करीबी कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले कई नेताओं को देश भर में अभी तक मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सचिन को मिली थी, लेकिन सचिन को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी गई। सचिन के साथ नाइंसाफी हुई है। इसके अलावा प्रमोद आचार्य ने खूब जानकारी दी कि साफ कर दिया है सोनिया ने कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट नहीं बनाए जाएंगे। सचिन का मुख्यमंत्री भी नहीं बनना, सचिन पायलट का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ना बनना इशारा करता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदम सचिन जाएंगे। इस्तीफा उनका तय है कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी में उनकी एंट्री लगभग तय बताई जा सकती है। इस बीच कांग्रेस चिंतन शिविर की आपको अपडेट देना चाहेंगे। नवसंकल्प चिंतन शिविर के बारे में आप सबको यहां बताना चाहेंगे कि रविवार को पार्टी की ओर से बड़े बड़े फैसले लेने का दिन बताया जा रहा है। 6 बड़े अहम फैसले होंगे। यहां आपको जानकारी देना चाहेंगे कि 6 अहम जो फैसले होने वाले हैं उसके बारे में। तीसरे दिन अंतिम CWC की बैठक होगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें 6 कमेटियों की ओर से प्रस्ताव रखे जाएंगे। इन पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी की अध्यक्षता और राहुल गांधी प्रियंका गांधी की उपस्थिति में होगा। शिविर में सभी कमेटियों ने 400 से अधिक नेताओं के सामने अपने प्रस्ताव को लेकर प्रेजेंटेशन दिया है। अलग अलग सत्रों में हुई इस सामूहिक चर्चा में सभी नेता को शामिल बताया जा रहा है, और ऐसे में इन सभी कमेटियों के संयोजकों ने बीते शनिवार को देर रात तक बैठक की। इसमें अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा मान सम्मान मिला। अशोक सीधा सोनिया के सबसे करीब उनके साथ बैठकर डिनर करते नजर आए। इतना ही नहीं, राहुल अशोक तो एक ही ट्रेन में नजर आए थे। सचिन की मौजूदगी ना होना कहीं ना कहीं सचिन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाता नजर आया। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला चिंतन शिविर में शामिल होने का। चरणजीत सिंह चन्नी को भी नहीं मिला निमंत्रण, और देखिए सचिन के नाम पर हंगामे फिर शुरू हो गए हैं। अब बता दें कि अपने अपने प्रस्तावों का एक सामूहिक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अशोक गहलोत की तरफ से भी सोनिया को सौंप दिया गया है वो ड्राफ्ट। CW की बैठक से ठीक पहले सोनिया और राहुल शिविर को संबोधित करने के बाद ड्राफ्ट को लेकर निष्कर्ष निकालेंगे। वो ड्राफ्ट के जरिए सचिन के इस्तीफे या फिर उन्हें बड़े पद के चर्चे होंगे, लेकिन सचिन का इस्तीफा तय बताया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्हें बैठाने का फिलहाल कोई भी फैसला पार्टी का नहीं है। फाइनल ड्राफ्ट के बिंदियों पर अंतिम फैसला होने वाला है, जिसके बाद राजस्थान गुजरात सहित अन्य राज्यों की विधानसभा चुनाव पर प्रभाव डालने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 तक के फैसले होंगे। यहां हम आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे कि बड़ी खबर आई हुई है इस वक्त। अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी ने नेताओं को मैसेज दे दिया है कि वो किसी भी तरह से किसी भी हाल में देखा जाए तो फैसले नहीं लेने वाली है ऐसा जो कि सचिन के पक्ष में होगा, यानी कि सचिन के बिल्कुल खिलाफ गांधी परिवार के फैसले, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने के खिलाफ, G23 गुट से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े दिग्गज नेता पहुंचे उन सब ने भी अपनी आवाज जो है
सचिन पायलट के पक्ष में नहीं उठाए। राजस्थान छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात की जाए तो वहां के नेता भी पायलट गुट के साथ खड़े नजर नहीं आए और इसीलिए नाराजगी साफ तौर पर प्रमोद आचार्य ने दिखाया है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी जो सचिन पायलट को लेकर हुई है उसकी अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत को पर भी तंज कसा गया, क्योंकि अशोक ही सचिन का इस्तीफा तय कराने के लिए उन्हें मजबूर करते नजर आए, इस तरह की उनके खिलाफ लगातार ड्राफ्ट तैयार करते हुए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।